स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो पेपर 2010 में मैथ्स का हुआ था उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। 2010 में मैथ्स का पेपर जो हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, 2011 से लेकर 2019 तक के वीडियो भी अपलोडेड किए गए हैं। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, मैट्रिक्स के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, बाइनोमियल थ्योरी भी जाके देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी जाकर के देख सकते हैं, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत से ऑब्जेक्टिव वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। तो आज का वीडियो चालू करते हैं। मैं कुशल बर्नवाल और देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक में क्या लिखा गया है? लिखा गया कि यदि ए इक्वल टू और एक मैट्रिक्स दिया गया है, फिर b इक्वल टू भी है और यहाँ भी एक मैट्रिक्स दिया गया है। कह रहा है जहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू बी तो अल्फा का मान बताना है, तो ए स्क्वायर पर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर क्या आएगा? तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं a इंटू ए, और ये क्या आएगा? तो ये आएगा यहाँ अल्फा 0 1 1, फिर यहाँ भी लिखेंगे क्या? अल्फा 0 1 1, क्योंकि दोनों जगह ए भी ए और ये भी ए है। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस 0 में 1 से, तो क्या आएगा? यहाँ से आएगा हम लोग का अल्फा स्क्वायर। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा अल्फा प्लस 1, और यहाँ क्या है? सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम, जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1। अब ये इक्वल टू में क्या है? बी इक्वल टू में क्या है? बी, यानी कि इतना स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे? बी के बराबर। तो बी के बराबर चलिए यही लिख देते हैं, तो बी के बराबर करेंगे तो यानी कितना? 1 0 5 1, बी के भी रख दिए। अब क्या करेंगे? यहाँ से क्लच करके बताते हैं आपको, जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं क्या? ये क्या है? ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से क्या होगा? अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर, अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर। तो जब करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1। दूसरा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या? 5। तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 4। यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से लेमडा का वैल्यू अलग आया और यहाँ से भी लेमडा का वैल्यू अलग आया। अगर दोनों में कुछ कॉमन आता तो अल्फा का मान मिलता, लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए अल्फा का मान यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला का डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर दो में देख रहे हैं क्या है? 1/x2 x2, ये ध्यान देंगे, ये जो 2x2 है 1/x का ये होल पावर में है, यानी कैसे है? ये 1/x2 x2 ऐसे रहेगा। तो क्या कह रहा है? 1/x2 x2 का महत्तम मान है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया गया था, या फिर आप पढ़े होंगे क्या कैसे, तो y इक्वल टू अगर ये कोई फंक्शन दिया गया है fx, तो क्या करते हैं? पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या आया? dy/dx, और इधर क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन? f'x। उसके बाद इस f'x को 0 के बराबर करते हैं और यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। मान लेते हैं कि x का वैल्यू आया, वो क्या आया? a आया। उसके बाद क्या करते हैं? जो dy/dx है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसमें इस x के वैल्यू को पुट करते हैं। अगर 0 से छोटा आया तो मैक्सिमम वैल्यू, 0 से बड़ा आया तो मिनिमम वैल्यू, और 0 के बराबर आया तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है? यहाँ से क्या कीजिए, पहले आप y इक्वल टू मान लीजिए, तो कैसे मानेंगे? 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2, और यहाँ हो जाएगा ये x2, ऐसे हो जाएगा। इसको और से लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x2। कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल जब भी रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन की सहायता से करते हैं। फिर पूछेंगे आपकी लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जा करके और एक डिफ्रेंशिएशन नाम से एक फाइल होगा, आप जब उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, कॉन्सेप्ट भी बताया गया पूरे डिटेल्स में, और एग्जाम्पल भी कराया गया है। तो अगर
आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जा करके देख लीजिए, उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर देख लीजिए तो यहाँ पर स्टार्ट कीजिए देखना। तो कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे। और जब फाइनल डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी कि जब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आएगा वह क्या आएगा, तो वह आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई इंटू वन प्लस और ये टू लॉग एक्स ऐसे आएगा। और अभी आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आता है उसको जीरो के बराबर करते हैं, यानी कि यहाँ से इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो जब जीरो के बराबर करें तो किसका वैल्यू निकलेगा, एक्स का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब इसको जीरो के बराबर करेंगे तो ये एक्स और ये वाई ये दोनों जीरो के बराबर नहीं हो सकता। आप बोलेंगे ये दोनों जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि जैसे ही आप यहाँ जीरो रखेंगे तो वन बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए आप एक्स का मान जीरो नहीं रख सकते। और जब इधर अनडिफाइंड हो जाएगा तो इसका मान क्या आएगा, कुछ नहीं, यानी कि आप वाई का मान भी जीरो नहीं रख सकते और एक्स का मान भी जीरो नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू रखेंगे इसका, इसको जीरो के बराबर करेंगे, ठीक है, यानी कि वन प्लस टू लॉग एक्स इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये टू लॉग एक्स इक्वल टू क्या आया, माइनस वन, क्या टू लॉग एक्स इक्वल टू माइनस वन। और जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू। चलिए इसको काट के फिर से बताते हैं, अगर यहाँ से क्या, लॉग एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब ध्यान दीजिए, लॉग का बेस हमेशा ई होता है कैलकुलस में, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ ई है। अब जब यहाँ से लॉग को हटाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ई का पावर माइनस वन बाई टू, और इसको लिख सकते हैं वन बाई ई का पावर वन बाई टू, और यही वन बाई टू जब हटता है तो इसके बदले क्या आता है, रूट। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, वन बाई रूट ई, एक्स का वैल्यू क्या आया, वन बाई रूट ई। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू तो निकल गया, अब आपको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अभी आपको बताए थे एक्स का वैल्यू क्या है, तो आया है यहाँ लिख लेते हैं, एक्स का वैल्यू आया है वन बाई रूट ई। अब ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट में क्या बताए थे कि जो यहाँ पर दिया है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आया उसको जीरो के बराबर करते हैं और एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, फाइंड कर लीजिए। अब क्या करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसको यानी क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये अब यहाँ जो भी आएगा, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप देख रहे पहले से यहाँ पर क्या है, माइनस, तो जो भी यहाँ पर आएगा डिफ्रेंशिएशन, यहाँ मान लीजिए माइनस तो बाहर रहेगा, अब यहाँ पर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आएगा आएगा। और जब आप उसमें इस एक्स का वैल्यू को पुट करेंगे तो यह क्या आएगा, तो यह जो आएगा वह जीरो से छोटा ही आएगा, ऐसे, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के वैल्यू क्या आया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के वैल्यू जीरो से छोटा आया। और जब जीरो से छोटा वैल्यू आया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, तो वैल्यू कैसे मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो अब पूछ रहा क्या रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो हम लोग देखेंगे एक्स इक्वल टू क्या आया था, अभी एक्स इक्वल टू आया था हम लोग का वन बाई रूट ई, वन बाई रूट ई आया था। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए किसका वैल्यू रखना है, यहाँ पर वन बाई एक्स है, तो वन बाई एक्स हम लोग निकाल लेते हैं, तो वन बाई एक्स क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स आ जाएगा रूट ई आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, वन बाई ई आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से देखिए पहले यहाँ से ये हटेगा, तो एक्स इक्वल टू क्या है, वन बाई रूट ई, और एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वन बाई ई हो जाएगा। और जब आप वन बाई एक्स निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इधर प्लॉट दीजिए तो ये हो जाएगा रूट ई, ठीक है। और ये रूट अगर हटाएंगे तो ई का पावर क्या आएगा, तो ये आएगा वन बाई टू। अब इन्हीं सब वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, यहाँ देखिए वन बाई एक्स का वैल्यू पुट करना है कितना है, तो ई का पावर वन बाई टू, इस पूरे का पावर कितना है, फिर टू इन टू। अब यहाँ देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या है, वन बाई ई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन बाई ई। और यहाँ से क्या आया, ई का पावर वन बाई टू इन टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टू बाई ई, और यहाँ से टू टू कैंसिल हो गया तो क्या आया, ई का पावर वन बाई ई, आंसर क्या आया, ई का पावर वन बाई ई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा का सी।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या कहता है कि किसी वक्र का अभिलंब एक्स अक्ष के समानांतर है यदि, इसमें से कौन होगा? तो हम जानते हैं कि अगर डी वाई बाई डी एक्स, हम जानते हैं क्या है, ये टेंजेंट का स्लोप होता है, किसका? टेंजेंट के यानी कि स्पर्श रेखा का। और ये अगर एक्स अक्ष के समानांतर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि अभिलंब एक्स अक्ष के समानांतर है तो क्या होगा। तो अभिलंब इसका मतलब क्या, जो ये डी वाई बाई डी एक्स आया है इसको उल्टा करके माइनस लगा देंगे, यानी क्या, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई और माइनस लगा देंगे तो क्या आएगा, आएगा डी एक्स बाई डी वाई और माइनस, ठीक है, इक्वल टू कितना, जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष के समानांतर है, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये माइनस इधर आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि तीसरे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 tan inverse 1/3 + 10 inverse 1/7। तो यहाँ क्या करना होगा, हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो जानते हैं फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है, और यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। लेकिन इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 tan inverse x है और यहाँ टेन इनवर्स वाई है, तो यहाँ से हमको 2 नहीं चाहिए, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ये तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला यूज होगा, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 2 tan inverse x इक्वल टू 10 inverse 2x बटा 1 - x2। ये वाला फॉर्मूला इसके लिए यूज होगा, तो क्या आएगा, यहाँ देखिए कैसे यूज होगा, तो कैसे, तो टेन इनवर्स 2x, तो 2 × 1/3 बटा 2x हो गया बटा 1 - x2, यानी कि 1/3 का हेलो स्क्वायर, तो क्या जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से आएगा 10 इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 2/3 और बटा में क्या हो जाएगा 8/9। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 10 inverse 2/3 × 9/8 और ये हो जाएगा 3 × 9 और 2 × 4 = 8, तो क्या आया 10 inverse 3/4। तो इसके जगह क्या आएगा हम लोग का, ये आएगा 10 inverse 3/4 प्लस 10 inverse 1/7। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो अभी आपको जो पहले बताए थे कौन सा, 10 inverse x + y, यानी कि 3/7 प्लस 1/3/4 होगा, यहाँ से देख सकते हैं यह 3/4 है, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/7 बटा 1 - 3/4 इंटू 1/7। और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 inverse, और इसको सॉल्व कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 7 × 21 और ये 4 × 21 = 25 और बटा में क्या आ जाएगा, 7 × 28 में से 3 का तो भी आ जाएगा 25, यानी कि 10 inverse क्या आ गया, तो 10 inverse 1 आ गया। ठीक है, आया कितना था 10 inverse 1। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 10 inverse 1 के जगह क्या होता है फॉर्मूला 10π/4, और फिर यहाँ एक फॉर्मूला यूज कीजिए 10 inverse 10x = x, यानी कि π/4। तो जो ऑप्शन आया वह 4 का D ऑप्शन आया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखेंगे तो क्या लिखेगा, y = log x^3, dy/dx निकालना है, तो ठीक है डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू इधर आएगा डी log और यहाँ आ गया x³ बटा, ध्यान देंगे log x का फॉर्मूला सेट करना है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला होता है डी log x बटा क्या होता है dx इक्वल टू 1/x। तो देख रहे हैं यहाँ जो है वो बटा में आया है, यानी कि यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से हम लोग को बटा में लाना पड़ेगा dx³, क्या लाना पड़ेगा dx³ × dx³, ऊपर फिर जाएगा बटा में dx और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x³ × और ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला 3x², फिर कटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x² से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 3/x। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से
इसमें से नॉन ऑफ डीज हो जाएगा, यानी कि फाइव का डी ऑप्शन होगा। नंबर सिक्स, क्वेश्चन सिक्स में क्या देख रहे हैं, लिखा है यदि एफ एक्स प्लस टू एफ वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एफ एक्स का वैल्यू बताना क्या होगा। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले एक्स का वैल्यू पुट करेंगे क्या, वन माइनस एक्स। तो क्या यहाँ से देखिए आएगा एफ वन माइनस एक्स प्लस टू एफ वन माइनस, और एक्स का समय क्या रखना है वन माइनस एक्स, जो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन और यहाँ हो जाएगा प्लस में एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ आएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस में क्या आएगा तो प्लस में टू। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से ये वन और वन क्या हो जाएगा कैंसिल कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से आएगा एफ वन माइनस एक्स प्लस टू एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये प्लस में आया टू। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या कीजिए आप, तो यहाँ से हम लोग इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये जो दिया है और जो ये आए इसको मानते हैं इक्वेशन टू, और इसके बाद इस दोनों को सॉल्व करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए एफ माइनस वन एफ वन माइनस एक्स है और यहाँ भी एफ वन माइनस एक्स है, इस दोनों को कटा देंगे कैसे, तो इस इक्वेशन टू में टू से मल्टीप्लाई करके वन में से क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि अब जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आपको एफ एक्स का वैल्यू आएगा और वह वैल्यू क्या आएगा, वह वैल्यू आएगा ये सिक्स का सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, लिखा गया कि ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो कह रहा है कि वन स्टार टू और यहाँ क्या है इन टू में सिक्स है, क्या होगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे वन स्टार टू की जगह क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे वन का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, तो ये टू का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये इन टू में सिक्स है तो यहाँ क्या आएगा वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर, तो वन और फोर फाइव इन टू क्या, यहाँ पर ये इन टू में है सिक्स, तो क्या हो जाएगा पाँच छक तीस, यानी कि ऑप्शन आंसर कितना है तीस, तो सेवन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ये तीस इसमें नहीं है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन देख रहे हैं इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से देख रही है क्या करेंगे हम लोग, पुट वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू कितना टी, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स, वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा डी टी, तो इस तरीके से इसमें क्या आया ये टी स्क्वायर और ये आ गया डी टी, तो ऑप्शन क्या आएगा टी का पावर थ्री बाई थ्री, यानी कि ये वन प्लस लॉग एक्स का होल पावर थ्री बाई थ्री, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से ये एट का ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या करेंगे हम लोग, पहले पुट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन आएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया डी टी, ऐसे तो इसको हम लोग आई माने तो इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा कितना, तो लिमिट जीरो से वन, और क्या माने टेन इनवर्स एक्स को माने है टी और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ क्या आया डी टी, तो ये आएगा टी का पावर थ्री बाई थ्री, तो यहाँ से वन बाई थ्री को बाहर और टेन इनवर्स टी की जगह क्या रख देंगे ये टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया टेन इनवर्स एक्स और यहाँ क्या आएगा लिमिट क्या आएगा, और ध्यान दीजिए यहाँ क्या आएगा इसका होल पावर थ्री और यहाँ लिमिट ये रखना है कितना जीरो से वन, यही साफ साफ लिख देते हैं क्या आया था वन बाई थ्री, और क्या आया था तो यहाँ से आया था टेन इनवर्स एक्स और इसका पावर कितना है थ्री और लिमिट क्या यूज करना है तो जीरो से वन, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वन बाई थ्री, ये आएगा टेन इनवर्स वन और इसका होल पावर थ्री माइनस टेन इनवर्स जीरो और इसका पावर भी थ्री, इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये टेन इनवर्स वन वन के जगह क्या करेंगे टेन पाई बाई फोर, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा तो ये यूज हो जाएगा टेन इनवर्स, जैसे ही यूज करेंगे तो क्या आएगा टेन पाई बाई फोर, और एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, तो क्या आएगा यहाँ से पाई बाई फोर हो जाएगा, तो यहाँ से जो आएगा वह क्या आएगा
वन बाई थ्री और यहाँ आएगा पाई बाई फोर का पावर थ्री, तो क्या हो जाएगा पाई का पावर थ्री और फोर का पावर थ्री, तो कितना 64 64, ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा जीरो, तो इस तरह आंसर क्या आएगा पाई का पावर थ्री बटा थ्री इंटू 64, आंसर क्या पाई का पावर थ्री बटा थ्री इंटू 64, तो क्या आ जाएगा पाई का पावर थ्री और ये तीन चौके 12 एक, तीन चौके 18 और एक 19, यानी कि ऑप्शन कौन सा, तो 9 का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये मोडेक्स का इंटीग्रेशन लिमिट क्या है -2 से 2, तो जब इसको सॉल्व करें तो जब जानते हैं कि जब भी मोडेक्स होता है तो मोड के अंदर वाले क्या करते हैं जीरो के बराबर, तो एक बराबर क्या आएगा जीरो, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2 से 0 और ये मोड एक्स डी एक्स ऐसे, फिर क्या प्लस 0 से 2 और यहाँ हो जाएगा मोड एक्स डी एक्स, फिर यहाँ क्या आएगा ये आएगा माइनस में एक्स, लिमिट क्या है -2 से 0 डी एक्स, फिर क्या आएगा 0 से 2 और यहाँ हो जाएगा एक्स डी एक्स, ठीक है इसको याद रखेंगे। फिर लिखते हैं उसको, क्या आया था हम लोग का माइनस और यहाँ एक्स आया था, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या तो -2 से 0, फिर प्लस यहाँ क्या आया था यहाँ भी आया था एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ लिमिट क्या था तो यहाँ था 0 से 2, इसको पुट कीजिए, जब 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, माइनस तो बाहर ही है, फिर माइनस जब -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4/2, फिर प्लस यहाँ पर क्या है जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 4/2 और 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0, और इस तरीके से जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि जो 10 का जो ऑप्शन आएगा वह कौन सा डी ऑप्शन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है, अवकल समीकरण डी ओ बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पी और क्यू एक्स के फलन है का समाकलन गुणांक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका समाकलन गुणांक यानी कि आई एफ का मान क्या हो जाता है तो ई का पावर पी डी एक्स, यानी कि ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा 11 का बी, ऑप्शन कौन सा ये 11 का बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में क्या है, तो देख रहे हैं एक वक्र का इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है इसका अवकल समीकरण, ध्यान दीजिए स्टूडेंट जब भी कोई इक्वेशन दिया हो और उसका अवकल समीकरण लिखना हो तो देखते हैं उसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ देख रहे हैं ए बी दो है तो उसको दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन, तो जब पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई डैस इक्वल टू ए और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो कॉस पी एक्स और फिर इधर भी आएगा पी से मल्टीप्लाई, क्यों पी से मल्टीप्लाई क्योंकि एक्स में पी से गुणा है, फिर यहाँ देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस और क्या है यहाँ पर बी है और कॉस का क्या हो जाएगा तो साइन और यहाँ हो जाएगा ये पी एक्स और फिर इसमें भी पी से मल्टीप्लाई क्योंकि एक्स में फिर पी से मल्टीप्लाई है, जब एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा तो यहाँ देखिए y डबल डैश इक्वल टू यहाँ पहले से है a और p और cos का क्या होता है तो माइनस साइन, cos का क्या होता है माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा साइन और ये हो जाएगा पी एक्स और फिर x में p से गुणा है तो एक बार और p बाहर आएगा तो p पहले से है और p एक मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, फिर माइनस p और ये b, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या cos, तो cos पी एक्स हो जाएगा ऐसे कोस पी एक्स, अब यहाँ पर एक्स से एक्स में पी से मल्टीप्लाई है तो फिर पी आगे गुणा करेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ से वाई डबल डैश इक्वल टू पूरे में से क्या करते हैं माइनस पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही कॉमन क्या आएगा यहाँ पर आएगा ए साइन पी एक्स प्लस यहाँ पर क्या आएगा बी और यहाँ आएगा कॉस पी एक्स आएगा ऐसे, ये जो पूरा वैल्यू है ये यह किसका वैल्यू है तो यहाँ से देखिए यह y का वैल्यू है, किसका वैल्यू है y का, तो यहाँ से क्या आएगा यहाँ से आएगा y डबल डैश इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर और ये आ गया y, तो इधर क्या हो जाएगा y डबल डैश प्लस पी स्क्वायर y इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 12 का b, यह रहा 12 का b ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि समतल 2x
माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो के अभिलंब की दिक हो जाए। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें एक्स वाई जेड के गुणांक को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात। तो टू माइनस थ्री और क्या, ये माइनस सिक्स, ये क्या हो गया, दिक अनुपात, टू माइनस थ्री और माइनस सिक्स। अब करें इसका दिक को जाए बताना है, तो तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, दो का स्क्वायर चार प्लस माइनस तीन का स्क्वायर नौ और छः का स्क्वायर छत्तीस, इस पूरे का रूट चढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करें तो सेवन आएगा। अब इस सेवन से सौ में क्या करके डिवाइड, तो क्या आएगा, टू बाई सेवन माइनस थ्री बाई सेवन और माइनस सिक्स बाई सेवन, यानी कि जो ऑप्शन आएगा वह चौदह का ई आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह। क्वेश्चन पंद्रह में क्या कह रहा है, तो पी ए का वैल्यू दिया, पी बी का वैल्यू दिया, पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया, तो कह रहा है पी बी बाई ए का वैल्यू, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसका फॉर्मूला होता है पी बी बाई ए इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए और बटा क्या हो जाएगा, पी ए। ऐसे तो पहले क्या करना होगा हम लोग को, इसका फॉर्मूला ए निकालना पड़ेगा, पी बी इंटरसेक्शन ए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी और बटा क्या हो जाएगा, पी ए। ठीक है, सबका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा थ्री बाई एट, फिर क्या प्लस फाइव बाई एट, फिर माइनस, और इसका वैल्यू क्या आएगा, थ्री बाई फोर। और अब इस पूरे का बटा में क्या आएगा, पी ए, यानी तीन बटा आठ। और जब आप इस पूरे वैल्यू को, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा वह आएगा इस ऊपर वाले में क्या आएगा, पाँच तीन आठ में से छः गया दो बटा आठ, और बटा में क्या है, तीन बटा आठ। तो जो रिजल्ट आया क्या आएगा, दो बटा तीन। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा पंद्रह का सी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर सोलह। क्वेश्चन नंबर सोलह में क्या कर रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है और टू ए का डिटर्मिनेंट बताना है। एक मैट्रिक्स है तो एक फॉर्मूला होता है, अगर एक कोई मैट्रिक्स है और इसमें किसी नंबर के से मल्टीप्लाई किया जाए और तब डिटर्मिनेंट निकाला जाए, तो इसका जो मान आता है वह आता है के का पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ई। यहाँ पर एन क्या है, इसका ऑर्डर है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा ये क्या हो जाएगा, टू का पावर कितना, तो कितने कोटि का है, टू कोटि का, तो यहाँ हो जाएगा टू का पावर टू और डिटर्मिनेंट ऑफ ई, यानी क्या आया, फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सोलह का ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर सत्रह। क्वेश्चन सत्रह में क्या है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, कह रहे हैं इसका व्युत्क्रम बताइए। तो किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यानी इनवर्स निकालने से पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल देता है। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आएगा ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना गया, वन। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना गया, वन। और ध्यान दीजिए फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, वन। जैसे ही यहाँ वन रखेंगे तो क्या बचेगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए। तो इस मैट्रिक्स के लिए जो एडजॉइंट होगा वहीं ए इनवर्स भी होगा, तो एडजॉइंट निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसका क्या करना है, पोजीशन चेंज, यानी कि पोजीशन चेंज करेंगे तो भी वहीं आएगा, यानी क्या आएगा, तो ये कॉस थीटा और यहाँ भी क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और इसका साइन चेंज, तो ये क्या आएगा, माइनस में साइन थीटा और यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा, और यही हो जाएगा हम लोग का ए इनवर्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सत्रह का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अठारह। क्वेश्चन नंबर अठारह में ध्यान देंगे, सदिश ये दिया है और ये सदिश दिया गया है, कह रहे दोनों पर लंब इकाई सदिश बताना है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है, अगर ए और बी दो सदिश हो और दोनों पर लंब इकाई सदिश निकालना हो, तो ए क्रॉस बी बटा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे इसी का भी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब इकाई सदिश। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसको मानिए वेक्टर ए और इसको मानिए वेक्टर बी, और
वैल्यू फाइंड करके पुट कर दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इसका क्रॉस, ए क्रॉस बी, यानी इसका और इसका क्रॉस। जब इसका क्रॉस निकालेंगे तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आई, ये जे और ये के। यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट 3, 2, 2 और यहाँ क्या है 2, -2 और यहाँ क्या है 4। जब इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की तरह तो आएगा क्या आएगा 8i-8 जे कैप, फिर आएगा -8 k कैप, ये आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8k² + 8k² + 8k² तो कितना आएगा, ये आएगा 3 × 8k² यानी 8√3। ठीक है, अब क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा i-j-k, और इस 8 को काटेगा तो क्या बचेगा केवल √3, तो i-j-k/√3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 18 का सी, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं तो कह इसका क्षेत्रफल बताइए। तो हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़े थे कि तीनों से क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, यानी कि कैसे, तो 1/2 और इसे डिटर्मिनेंट बनाइए, 3, 8, 5, 2 - 4, 2 और यहाँ क्या 1, 1, 1। ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 1/2 तो बाहर रहेगा, ये 3 × अब कैसे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका ये 3 का रो ख़त्म करेंगे और कॉलम ख़त्म करेंगे, तो क्या आएगा 2, 1, 2 - 2, 1, 2, तो 2 × 2 ये कितना है 0, तो यहाँ आ गया 0। फिर क्या, जब 8 को लेंगे तो -8, फिर कैसे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रो को छोड़ेंगे, तो 5 × 1 से तो कितना आएगा 5, फिर माइनस और ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो -4, तो 5 - -4 तो 5 + 4 हो जाएगा क्या, तो आएगा 9। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग, ये क्या था यहाँ पर 8 था और यहाँ आएगा 9। फिर क्या लेंगे 1, फिर ये, अब इसका ये कॉलम छोड़ेंगे और इसका दो छोड़ेंगे, तो 5 × 2 = 10 माइनस और ये -8, तो 10 - -8 यानी कि 10, 8, 18 हो जाएगा, जुट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 18। ठीक है, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 0 ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये माइनस में 8 × 9 = 72 और प्लस में आएगा 18 और बटा में क्या आएगा 2, तो ये आएगा -54/2 यानी कि माइनस में आएगा 26। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 19 का D। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 में क्या है, तो त्रिज्या की वृद्धि की दर दी गई है, यानी कि dr/dt का मान दिया गया है, क्या कहा जा रहा है, परिधि की दर, तो परिधि क्या होता है, c/2πr होता है। ठीक है, और क्या बताना है, इसकी परिधि की दर तो dc/dt, तो यहाँ से इसका भी डिफ्रेंशिएशन, तो 2π तो बाहर और dr/dt हो जाएगा, तो dr/dt का मान कितना है, 0.4, तो इसमें क्या करेंगे 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2π × 0.4, तो क्या आएगा 0.8π, 0.8π, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 का B। तो इस तरीके से आप देखें 2010 में जो पेपर बिहार बोर्ड द्वारा मैथ्स का हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक वीडियो आप चाहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।